नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। अभी बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की मौत के सदमे से देश उभर भी नहीं पाया था कि एक और दिग्गज अभिनेता की मौत हो गई। जी हां, 24 घंटे के अंदर ही बॉलीवुड ने दो बड़े एक्टर्स को खो दिया है, पहले इरफान खान और अब ऋषि कपूर। जैसे ही ऋषि कपूर के दोस्त, रिश्तेदार और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, वो गया, ऋषि कपूर गए, अभी उनका निधन हुआ, मैं टूट गया। अमिताभ बच्चन के हवाले से इस दुखद खबर को सुनकर पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि ऋषि कपूर ने 67 साल की उम्र में HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में आज सुबह 8:45 पर अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे, उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत और बुखार था। बुधवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। बॉलीवुड के सितारे ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। बॉबी, द बॉडी, प्रेम रोग, 102, नॉट आउट और मुल्क समेत सैकड़ों ऐसी फिल्में थी जिसमें ऋषि कपूर ने शानदार काम किया था। उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना था और फिर चाहे वो रोमांस हो या फिर एक्शन। उनके बॉलीवुड करियर की बात करें तो सबसे बड़े परिवार कपूर खानदान की चिराग, ऋषि कपूर अपने समय में चॉकलेटी बॉय माने जाते थे। अपने परिवार की राह पर चलकर उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाई। वैसे तो ऋषि कपूर 1970 में राज कपूर की ही फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार की भूमिका अदा कर चुके थे, लेकिन 1973 में फिल्म बॉबी के साथ उनका बॉलीवुड डेब्यू माना जाता है। तब से लेकर आज तक वो एक अभिनेता के तौर पर सबके दिलों पर राज करते थे। एक शानदार अभिनेता की विदाई से बॉलीवुड से लेकर राजनीति हर कोई सदमे में है। बॉलीवुड के कई अभिनेता और नेता ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि बहुआयामी, प्रिय और जीवंत ये ऋषि कपूर जी थे, प्रतिभा का पावर हाउस थे। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर भी उनसे अपनी बातचीत को याद करूंगा। वो फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे। उनके निधन से दुखी हूँ, उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, शांति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऋषि कपूर के असामायिक निधन से गहरा दुख हुआ है। उनके सदाबहार और प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व तथा ऊर्जा के कारण ये विश्वास करना मुश्किल है कि वे नहीं रहे। उनका निधन सिने जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके परिवार, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। तुम्हें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदी सिनेमा के प्रख्यात कलाकार और वरिष्ठ अभिनेता श्री ऋषि कपूर के असामायिक निधन के दुखद समाचार से स्तब्ध हूं। उन्होंने अपनी बहुमुखी अभिनय प्रतिभा से भारतीय दर्शकों को दर्शकों तक मंत्रमुग्ध रखा और उन चरित्रों को हमारी स्मृति में अमर कर दिया। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि भारतीय सिनेमा के लिए खौफनाक हफ्ता, एक और लीजेंड एक्टर ऋषि कपूर का निधन। शानदार एक्टर, सभी पीढ़ियों में जबरदस्त फैन फॉलोइंग, उनकी बहुत याद आएगी। दुख के इस समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्त और फैंस के साथ। इसी के साथ ही बॉलीवुड ने भी ऋषि कपूर को अंतिम विदाई दी। अक्षय कुमार ने परिवार के अच्छे दोस्त को अंतिम विदाई देते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि जैसे हम एक बुरे सपने के बीच हैं। अभी अभी ऋषि कपूर जी के निधन की निराशजनक खबर सुनी, ये दिल दहला देने वाला है। वो एक महान सह कलाकार और परिवार के एक अच्छे दोस्त थे। मेरे विचार और प्रार्थना उनके परिवार के साथ है। सलमान खान ने भी माफी मांगते हुए ट्वीट किया कि चिंटू सर की आत्मा को शांति मिले, कहा सुना माफ, परिवार और दोस्तों को ताकत, शांति और ऊर्जा मिले। लता मंगेशकर ने भी लिखा कि क्या कहूँ, क्या लिखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋषि जी के निधन से मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री की बहुत हानि हुई है। ये दुख सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो इस तरह से पूरा देश एक आवाज में ही ये कह रहा है कि ऋषि कपूर का जाना देश के लिए बड़ा झटका है, फिल्म जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। वीके न्यूज भी शानदार कलाकार ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।